कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में चैप्टर 5 का रिवीजन किया था, जिसमें हमने ऑप्शनल प्रश्न किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है टपका का डर, जो एक कहानी है। बाबर हमने यहाँ पर कहानी में देखा था कि एक बुढ़िया जो है वो जंगल में रहती थी, और जंगल में एक दिन क्या होता है, बारिश होती है, और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। ओलों की मार से जंगल में जो बाघ रहता था वो परेशान हो जाता है, और वह इधर भागता हुआ उस बुढ़िया के घर के पास आ जाता है। बुढ़िया घर के अंदर चावल पका रही थी। उसकी जो घर की जो छत थी वो छपरे की थी, और इसकी वजह से उसके घर में पानी टपक रहा था चूल्हे पर। वो जो चावल पका रही थी उस पर पड़ रहा था। इसीलिए बुढ़िया क्या कहती है कि मुझे जितना डर बाघ से, वो परेशान हो जाती है इस टप के, जो पानी टपकता है वो उसकी आवाज कैसे आती है, टप टप करके आती है। बारिश की जो पानी बूंदे गिरती है उसकी आवाज टप टप करके आती है, तो बुढ़िया उससे परेशान हो जाती है। और वह कहती है कि मुझे जितना डर बाघ से नहीं लगता, उससे ज्यादा डर मुझे इस टपके से लगता है। वो क्रोधित हो जाती है। बाघ ये सुनता है कि बुढ़िया को मुझसे नहीं पर टपके से डर लगता है, तो वह सोचता है कि जो टपका है वो कोई मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, और इसीलिए बुढ़िया मुझसे ज्यादा उस टपके से डरती है। और यह सोचकर बाघ जो है वहां से भाग जाता। इस प्रकार हमने ये कहानी पढ़ी थी। आज हम उसके ऑप्शनल प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। उसमें पहला है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। बुढ़िया, परेशान, जंगल, सिर पर पैर, पानी, ओले, ये शब्द हमें दिए गए हैं, तो इनमें से सही शब्द चुनकर हमें खाली जगह भरनी है। पहला है, बुढ़िया का घर खाली जगह में था, तो आंसर क्या आएगा, जंगल। दूसरा है, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था, तो आंसर क्या आएगा, पानी। तीसरा है, खाली जगह का घर टपकने लगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बुढ़िया का घर टपकने लगा। चौथा है, थोड़ी देर में बैर बराबर खाली जगह पड़ने लगा, तो आंसर क्या आएगा, ओले। पांचवा है, बुढ़िया खाली जगह हो उठी, तो आंसर आएगा, परेशान। छठा है, बाघ घबराया और खाली जगह रखकर भाग गया, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, सिर पर पैर, बराबर है। फिर आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश सुनकर लिखिए। उसमें पहला है, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि गर्मी का दिन था, जाड़े का दिन था, बरसात का दिन था, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बरसात का दिन था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। दूसरा है, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि घर की दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था, छप्पर सीमेंट से बना था, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, छप्पर ठीक नहीं था। तीसरा है, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया नहा रही थी, रोटी पका रही थी कि चावल पका रही थी, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, चावल पका रही थी। आगे है चौथा, बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने उसे धमकाया था, बुढ़िया ने उसे कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है, बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी, तो आंसर क्या आएगा, बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती थी, ये उसका आंसर आएगा। अभी चौथा प्रश्न है, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह हमें करना। तो इसमें पहला है, बुढ़िया चावल पका रही थी, तो यह विधान सही आएगा। दूसरा है, ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी, तो यह विधान गलत आएगा। तीसरा है, मटके पर पानी टपक रहा था, तो यह विधान गलत आएगा। चौथा है, कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, तो यह विधान सही आएगा। पांचवा है, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, तो यह विधान गलत आएगा। अभी आगे हमें प्रश्न नंबर 7 के अंदर हमें जो शब्द दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन करना है, यानी कि एक वचन का बहुवचन करना है और उसपे से वाक्य बनाने है। पहला है मक्खी, तो उसका वचन परिवर्तन कैसे करेंगे, मक्खियां करके।
एक हो तो मक्खी और ज्यादा हो तो मक्खियां। वाक्य बनेगा मक्खी रोग का घर है, मक्खियां गंदगी में रहती है। दूसरा है लड़की, तो उसका लड़कियां। यह मोहन चाचा की लड़की है, रहीम चाचा की तीन लड़कियां, इस प्रकार हमें करना है। तीसरा है रोटी, तो उसका होगा रोटियां। वाक्य है तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। दूसरा वाक्य है मनीषा ने गाय को तीन रोटियां खिलाई। चौथा है चूड़ी, तो उसका होगा चूड़िया। सीमा ने एक ही चूड़ी खरीदी, पहला वाक्य है सीमा ने एक ही चूड़ी खरीदी। दूसरा है शीला ने दो चूड़ियां खरीदी, बराबर है। तो इस प्रकार आपको भी रिविजन देखकर बराबर इसकी तैयारी करनी है, पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 का वर्कबुक के अंदर जो रिविजन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे करेंगे। थैंक यू।